में बसपा प्रत्याशी सर्वेश बघेल ने जनसंपर्क किया। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गए हैं, अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अदमातपुर में बहुजन समाज पार्टी ने चौमुखी विकास की भावना रखने वाले क्षेत्र में काम करने वाले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सर्वेश बघेल को मैदान में उतारा है। सर्वेश बघेल का कहना है कि मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर कर जीत दर्ज करूंगा। मुझे सभी जाति वर्ग धर्म से भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता से विकास का वायदा नहीं, विकास करके दिखाऊंगा। ऐसा इरादा लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो अदमातपुर नगर पालिका का चौमुखी विकास करवाऊंगा। बसपा प्रत्याशी सर्वेश बघेल ने मीठी ईद के अवसर पर नगर में सभी मुस्लिम भाइयों के घर जाकर बधाई दी। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। सर्वेश बघेल, नगर पालिका अदमातपुर, बसपा प्रत्याशी। आज अदमातपुर में आपने कहां कहां भ्रमण किया, कहां कहां वोट मांगे? आज मैंने नगर अदमातपुर में पूरे कस्बे में मैंने भ्रमण किया। हर वार्ड में गया मैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। आज उन्होंने मीठी ईद को हर्षोल्लास से मनाया और मैंने सबको शुभकामनाएं दी। हमें तय दिल से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद दिया। अदमातपुर में मूलभूत से समस्याएं, नाली की बड़ी समस्या रहती है, नाली और पानी की, क्या करेंगे आप इसके लिए? देखिए, मैं हर वार्ड में जा रहा हूँ, जनता से जनसंपर्क कर रहा हूँ। ज़्यादातर समस्या है पानी की, हर मोहल्ले में यही परेशानी है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। मैंने ये जनता को वादा दिया है, मुझे एक बार जिम्मेदारी दो, एक बार मौका दो, मैं आपके पानी की जो भी लाइट की या खरंजे की नाली जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगा और आपके साथ हर सुख दुख में आपका साथ। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है, बदलाव चाहिए जनता। आगरा में सर्व समाज